everyone, welcome back to my channel. My name is Adya Shrivastav. So I got this query from some of you guys. कि मैम हमें बताइए कि हम कैसे अच्छा introduction prepare करें और क्या-क्या points का ध्यान रखना जरूरी है. तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने चाह रही हूँ. ये वही पॉइंट्स हैं जिनका मैंने ध्यान रखा था जब मैंने अपने ऑडिशन के लिए इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था. तो अगर आप डीवा के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फेमिना मिस इंडिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखना और आई होप कि ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने में. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. फर्स्ट पॉइंट है इट्स स्पीक अबाउट योरसेल्फ. आपको अपने बारे में बताना है. आपकी बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए आपके इंट्रोडक्शन में. आई थिंक ये चीज आपको भी पता होगी. एंड आपकी बेसिक डिटेल्स आप बहुत ज्यादा चीजें ऐड मत करना. जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं लाइक आपका नाम, आप कहाँ से हो, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है और आप क्या पढ़ाई कर रहे हो. सो जो नेक्स्ट पॉइंट है आपको अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करना है वो है व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर मिस इंडिया. आई नो ये कहीं मेंशन नहीं होता है बट ये पॉइंट आपको ऐड करना है क्योंकि आप मिस इंडिया का ऑडिशन दे रहे हो या मिस डीवा का ऑडिशन दे रहे हो. तो अगर आप डीवा के लिए इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इस चीज को ऐड करना कि व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर मिस डीवा. ये चीज आपको खुद से पूछनी है कि आप क्यों मिस इंडिया या मिस डीवा के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब क्या बेसिक रीजन है इसके पीछे. सो जो मैंने इसका आंसर ऐड किया था अपने इंट्रोडक्शन में वो ये था कि जब मैं छोटी थी और मिस इंडिया को देखा करती थी तो उनसे इंस्पायर हुआ करती थी कि मैं भी एक दिन मिस इंडिया बनूंगी. तो अगर मैं मिस इंडिया बनती हूँ तो अगर मुझसे कोई बच्ची इंस्पायर होती है तो डैट विल बी द बिगेस्ट थिंग फॉर मी. तो आप ऐसे करके कुछ अच्छा सा पॉइंट ऐड कर सकते हो कि आप मिस इंडिया में क्यों अप्लाई करना चाहते हो. बहुत लॉन्ग मत ऐड करना, बहुत स्टोरी मत ऐड करना, जस्ट अ शॉर्ट लिटल थिंग. नेक्स्ट पॉइंट, चूज राइट लैंग्वेज. आपको खुद में सोचना है कि आप कौन सी लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल हो, हिंदी या इंग्लिश, और आपको उसी लैंग्वेज में इंट्रोडक्शन देना है. मैंने हिंदी चूज की थी क्योंकि मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबली बोल लेती हूँ. इसका मतलब ये नहीं मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती बट मुझे ये चीज पता है कि मुझसे बहुत बेटर इंग्लिश बोलने वाली गर्ल्स वहां पे ऑडिशन देने आएंगी. तो दैट्स व्हाई मैंने हिंदी चूज किया क्योंकि मैं बचपन से अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से हिंदी में ही बात करती हूँ. तो हिंदी लैंग्वेज इज मोर कम्फर्टेबल फॉर मी. आई नो आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने पेरेंट्स से और अपने फ्रेंड्स से इंग्लिश में बात करते होंगे, या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे. तो आई सजेस्ट कि आप इंग्लिश लैंग्वेज चूज करो. बट अगर आप हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी लैंग्वेज चूज करो. बट वही लैंग्वेज आप चूज करना जिसमें आपकी कमांड अच्छी है, बिकॉज अगेन इट्स अ कॉम्पिटिशन. सो आपको थोड़ा माइंड यूज करना पड़ेगा इसमें. तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जिस चीज में बेस्ट हो आपको वो चीज दिखानी है जज को, ना कि वो चीज जिसमें आप मीडियोकर हो. ओके हो. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहूंगी वो ये है, डोंट कॉपी फ्रॉम एनीबडी एल्स इंट्रोडक्शन, बिकॉज यू नो वो समझ जाएंगे कि आपने कॉपी किया है. क्योंकि डीवा का ऑडिशन ऑनलाइन हो रहा है तो आई नो कि आप एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लाइक देख सकते हो एमएक्स टकाटक के थ्रू. बट आई सजेस्ट आप किसी का इंट्रोडक्शन कॉपी मत करना. आप इंस्पिरेशन ले सकते हो दूसरों के इंट्रोडक्शन से. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि मैंने क्या बोला था कि मैं मिस इंडिया में क्यों अप्लाई करना चाहती हूँ. तो आप इस तरीके से लोगों से इंस्पिरेशन ले सकते हो. बट आपको सिर्फ इंस्पिरेशन लेनी है, आपको खुद अपना खुद का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है. आपको किसी से कॉपी नहीं करना है. कॉपी चीजें अलग समझ में आती हैं जब आप स्टेज में खड़े होकर बोलते हो, जब आप वीडियो में बोलते हो. तो आप अपना खुद का इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करो. सो नेक्स्ट थिंग है, आप अपने इंट्रोडक्शन में कोट्स ऐड कर सकते हो. आप बहुत सारे अच्छे कोट्स सर्च कर सकते हो गूगल में एंड आप उनको ऐड कर सकते हो उसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपना इंट्रोडक्शन. मैंने जो अपने इंट्रोडक्शन में कोट ऐड किया था वो ये था कि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी चीज को लेके पॉजिटिव हो तो आप उस चीज को पा सकते हो. तो आप इस तरीके के कोट्स ऐड कर सकते हो एंड आप गूगल में सर्च कर सकते हो. यू विल गेट मेनी कोट्स एंड आप एक्चुअली जिस कोट में बिलीव रखते हो आप उस चीज को अपने इंट्रोडक्शन में ऐड कर सकते हो. सो नेक्स्ट पॉइंट में जो बोलना चाहती हूँ, बहुत लंबा और बहुत छोटा इंट्रोडक्शन आपको नहीं देना है. अपने इंट्रोडक्शन की लेंथ आपको प्रॉपर रखनी है, एक मीडियम लेंथ रखनी है. आई नो मिस डीवा में एक लिमिट है, 59 सेकंड्स तक का ही वीडियो बना सकते हो. तो आप इस चीज का ध्यान रखना कि आप अपने इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट्स ऐड करो. क्योंकि मिस डीवा का इंट्रोडक्शन आपको दो पार्ट्स में देना है. फर्स्ट आपको अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना है, देन आपको क्वेश्चन का आंसर देना है. सो आपको लेंथ प्रॉपर रखनी है, लेंथ का ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट में जो बोलना चाहती हूँ, स्पीक विथ कॉन्फिडेंस. नर्वस होने की जरूरत नहीं है, दुनिया खत्म नहीं हो रही है, जस्ट अ कॉम्पिटिशन. सो कॉन्फिडेंस होके बोलो, इंजॉय करो अपना ऑडिशन. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इंजॉय कर रहे हो इस प्रोसेस को, तभी आप कॉन्फिडेंट दिखाई दोगे. तो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपने बहुत सारे वीडियोज में ये पॉइंट मेंशन किया है, कीप स्माइलिंग. यस, हैप्पी फेस बना के आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट नजर आओगे. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पीक विथ योर हार्ट. मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था तो लिटरली मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा था इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करने में.
बहुत नहीं सोचा था मैंने, जो भी मेरे हार्ट में था, जो भी मैं फील करती थी, वही चीज मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ऐड की थी. सो स्पीक व्हाट यू एक्चुअली फील, बिकॉज इट्स ब्यूटी पेजेंट, दे डोंट वांट फेक पीपल, दे वांट समवन हु इज ओरिजिनल, यू नो. सो बी योरसेल्फ. सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय.